22 जनवरी साल 2024 की वो तारीख जिसका इंतजार हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है, और सालों बाद ऐसी दिवाली मनाई जाएगी जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। कोई राज्य ऐसा नहीं जो राममय में रंगा ना हो। बात अगर हरियाणा के पानीपत जिले की करें तो यहाँ भी लोगों में काफी उत्साह है, इंतजार है हर किसी को 22 जनवरी का, क्योंकि उस दिन हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं। अब तो मंदिरों से लेकर लोग घरों में सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन दिवाली मनाई जाने वाली है। पूरा पानीपत शहर राम की भक्ति में रंगा हुआ है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में जनमानस को भक्ति के उल्लास में झूमने को विवश कर दिया है। मंद पड़े बाजारों को भी संजीवनी मिल गई है। शहर के बाजारों में भगवान श्री राम के नाम की धूम है। श्री राम अयोध्या लिखी लॉकेट, झंडा और कैप के अलावा तमाम तरह की चीजें खूब लोगों द्वारा खरीदी जा रही है। एक बार सुनिए दुकानदारों ने क्या कुछ बताया। पानीपत में चारों तरफ रौनक बहुत बढ़िया है, पूरे शहर में हर घर में खुशी आ रही है। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, हमारे राम आ रहे हैं, इसके उपलक्ष में पूरे शहर में रौनक है। हर हिंदू हर मुस्लिम सब में रौनक है, ये नहीं कि एक हिंदू ही है, मुस्लिम भी खुश है इस बार, और पूरे शहर में बढ़िया तरह मनाया जाएगा 22 तारीख को। ये तो राम का प्यार है, सारे पूरा शहर भगवाधारी हो जाएगा, अब तो पूरे शहर में राम राम ही राम दिखेंगे बस आपको। नहीं, खूब बिक रहे हैं, फुल कस्टमर आ ही रहे हैं और बहुत चलेगा, ऐसी बात नहीं है, खूब राम जी की प्रतिमा है, ये तो सब चलता है, रौनक खूब है। आप हर जगह देखोगे 22 तारीख को जो होने जा रहा है राम जी का जन्मभूमि अयोध्या में, जो सिस्टम है अपना बहुत तगड़ा ही चलेगा। डिमांड हर चीज़ की है, राम जी का पटका है, राम जी की टोपी है, झंडे छोटे हैं बड़े हैं फुल लंबाई में, सब तरह के लड़िया है इस तरह की, सब राम जी के ऊपर बनाई गई है। 22 जनवरी को लेकर दुकानदारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा है इस दिन, क्योंकि उस दिन हर किसी के घर में दीप जलाए जाएंगे और हर कोई दिवाली जरूर मनाएगा। कस्टमर आ रहे हैं बाजारों में तो उनके मन में ये है कि 22 जनवरी को कुछ होने वाला है बढ़िया, और जोर शोर से तैयारी में तो लगे हुए हैं, और खरीदारी भी बाजार में है इस चीज़ की, और बाजारों में तैयारी भी चल रही है, मंदिरों में भी तैयारी चल रही है, और बाजार में भी तैयारी चल रही है। तो ये है, झंडे खरीदे जा रहे हैं और कुछ डेकोरेशन सामान खरीदा जा रहा है। दिवाली जैसे दिवाली में खरीदते हैं उस हिसाब से कस्टमर खरीदारी शुरू कर दी है, धीरे धीरे माहौल बना हुआ है। इतने सालों के बाद जो है राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर बनाया जा रहा, बहुत उत्सव का काम है। देखिए दिवाली मनाते हैं हम, इतने सालों से मनाते आ रहे हैं, दिवाली त्यौहार है श्री राम जी का, और ये तो बहुत हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे जो भारत वर्ष के अंदर ये प्रोग्राम किया गया। ये 22 तारीख की उपलक्ष्य में राम जी का दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी बहुत बढ़िया तैयारी की जा रही है। लोगों के अंदर बहुत काफ़ी उत्साह है, लोग राम जी के झंडे, राम जी की मूर्तियाँ, झंडे और राम जी के पटके, स्पेशली लोग गले में पहनने के लिए पटके, बहुत ज़्यादा लोगों में इस पर उत्साह है। हमें खुद उत्साह है, हम खुद राम जी के लक्ष्य बनाने, हम खुद बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये जो ये 500 वर्षों बाद आया ये त्यौहार, 500 वर्षों बाद पूरा सनातन धर्म की पूरा विश्व में मनाया जाएगा, पूरा सब हिंदू संत साधु सब बहुत ज़्यादा खुश है। 500 वर्ष बाद ऐसा पर्व मनाया जा रहा है, राम जी फिर अयोध्या वापस लौट रहे हैं, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और सबको खुशी है, सबको, हमारे घर फैमिली सब, हमने सबको, बल्कि हम स्पेशली कार्ड इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं उनको स्पेशली कि वहाँ जाके दर्शन कीजिए, बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है राम जी की। वही पानीपत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर राममय हो जाएगा, क्योंकि 21 जनवरी को पानीपत शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और इसी को लेकर सभी संस्थाएं एक मंच पर इकट्ठा हुई हैं, और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 22 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे पानीपत को दिवाली की तरह सजाया जाएगा, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।